लोग अव्यवस्था में भी शिकार हैं और ये नदी के किनारे के गांव हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव के अंदर की सड़क पूरे मार्ग सब टूटे हुए हैं, जर्जर हैं, निकलने लायक नहीं है। बच्चे को स्कूल जाना, शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र बहुत वंचित है और पिछड़ा हुआ है। सब में लोगों की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सर, जो आपको आज प्रार्थना पत्र मिले हैं, जो ज्ञापन लोगों ने सौंपा है, इस पर आपकी तरफ से क्या कदम होगा? 100% इनके ऊपर काम होगा, काम होता हुआ दिखेगा। गरीबों मजलूमों की आवाज़ बनकर जनहित के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने वाले सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने आज लहरपुर विधानसभा के रिहार, नाउनपुरवा, रायमरोड समेत कई गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका हालचाल जाना। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद को माला पहनाकर स्वागत किया और अपने गाँव की समस्याओं को लेकर सांसद को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से जनहित की समस्याओं से अवगत कराया। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर जी, जिन्होंने आज विधानसभा लहरपुर के कई गांव का भ्रमण कर वहां का हालचाल जाना है, वहां की स्थितियों को जाना है। हम सब बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, हम सीधे बातचीत करते हैं। सर, आज आपने लहरपुर विधानसभा के कई गाँव का भ्रमण किया है, वहाँ की स्थितियों को जाना है और वहाँ के माहौल को जाना है, लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ देखने को मिला है? लोग अव्यवस्था में शिकार हैं और ये नदी के किनारे के गाँव हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। और बहुत से लोगों ने बताया कि 2016 का इनका सर्वे है मुआवजे का, जो कटान में ज़मीनें चली गई, 2016 से 8/24 चल रहा है, 8 साल के अंदर इनको पुराना मुआवजा नहीं मिला। यहाँ के जो अभी के लोग जो यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनका घर यहाँ से लोग बताते 3 किलोमीटर की दूरी पे है जी। यदि लोगों की समस्या को लेके जो गंभीर होते तो उनके घर के अंदर के पड़ोस की ये समस्या इतनी विकराल ना होती जी। गांव के अंदर की सड़क पूरे मार्ग सब टूटे हुए हैं, जर्जर हैं, निकलने लायक नहीं है। बच्चे को स्कूल जाना, शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र बहुत वंचित है और पिछड़ा हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं, हमको अभी 3 महीना हुआ है, हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की समस्या को समझने का, उनके बीच जाने का। तो उसी के तहत आज ये रायमरोड भी हम लोग आए थे और भी गांव गए हैं, अभी एक आध जगह और जाएंगे तो लोगों के बीच रह के उनके बारे में समझ के उनके लिए जो जन समस्याएं हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं हम लोग। सर, नवनपुरवा गए, रिहार गए, वहां पर कुछ लोगों ने आपको एक ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ इसमें दर्शाया? सब में लोगों की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएँ हैं, छोटी छोटी आवश्यकताएँ हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करेंगे और जन आवश्यकताओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के कारण ये है, अगर लोग समस्याओं को लेकर गंभीर होते तो ये तो कटान और बाढ़ का क्षेत्र वर्षों से बना हुआ है, अगर इसको पर गंभीर प्रयास होता तो इतने दिनों में इसका कोई ना कोई निराकरण हो जरूर जाता। हमने सदन में पहुँचते ही इस विषय को उठाया है कि हर साल त्रासदी होती है, हर साल लोग विस्थापित होते हैं, पुनर्वास होता है, इससे बेहतर है कि इसका कोई स्थायी समाधान बंधा बना के किया जाए। मैं अभी इन लोगों से भी जानकारी कहना चाहूँगा कि आप बंधा से इनकी समस्याओं के निस्तारण हो सकता है, हम लोग प्रयासरत हैं कि यदि लोगों का जन सहयोग हो और इस विषय को लोगों के मन में हो कि बंधे से इनकी समस्या का निस्तारण हो तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सर, जो आपको आज प्रार्थना पत्र मिले हैं, जो ज्ञापन लोगों ने सौंपा है, इस पर आपकी तरफ से क्या कदम होगा? 100% इनके ऊपर काम होगा, काम होता हुआ दिखेगा।